रात के 12 बज रहे थे। रुद्र के घर के सभी लोग सो गए थे। समीर और अर्जुन छत पर बैठकर सिगरेट पी रहे थे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। यार, खाना खाने के बाद सिगरेट ना पियो तो लगता है जैसे खाना ही नहीं खाया, अर्जुन ने कहा। हाँ यार, कह तो सही रहा है, समीर ने कहा। अच्छा हुआ था जो तू सिगरेट का पैकेट ले आया था, अर्जुन ने कहा सिगरेट का कश खींचते हुए। पर यार, ये पैकेट भी खत्म होने वाला है। अरे तो फिक्र क्यों कर रहा है, कल नया ले आएंगे। तुझे तो पता ही है ये सिगरेट पानी की प्यास की तरह है, कितने भी पियो कमी नहीं होती, है ना। हाँ कह तो सही रहा है। वैसे अर्जुन, उस दिन तू मुझे बताने वाला था कि आत्माएं मरने के बाद कौन से मार्ग पर जाती हैं। अरे हाँ, मैं तो तुझे बताने ही भूल गया। देख ऐसा है कि सभी वेद और पुराणों के अनुसार आत्मा की गति और उसे किसी लोक में पहुंचने का वर्णन अलग अलग मिलता है। वैदिक ग्रंथ के अनुसार आत्मा 5 तरह के कोश में रहती है, अनन्यमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन्हीं कोशों में रहकर आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मुख्य तौर पर उसकी 3 तरह की गतियां होती हैं। पहली ऊर्ध्व गति, दूसरी स्थिर गति, तीसरी अधोगति। ऊर्ध्व गति के अंदर व्यक्ति ऊपर के लोक की यात्रा करता है, यानी स्वर्ग लोक। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में खुद को साक्षी भाव में रखा है या निरंतर भगवान की भक्ति की है। ऐसे व्यक्ति पितृ या देव योनि के सुख भोगकर वापस पुनः धरती पर जन्म लेते हैं। स्थिर गति में मरने वाला व्यक्ति मरने के बाद ना ऊपर के लोक में गया है और ना नीचे के लोक में, मतलब उसे यहीं तुरंत ही जन्म लेना होगा। ये जन्म उसका मनुष्य योनि का ही होगा। अधोगति के अंदर क्या होता है? अधोगति मतलब जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का पाप करके या नशा करके अपनी चेतना या होश के स्तर को नीचे गिरा लिया है, वो नीचे के लोक की यात्रा करता है, मतलब कि पाताल लोक की। रेंगने वाले कीड़े मकोड़े या गहराई वाले जल में रहने वाले जीव जंतु अधोगति का ही परिणाम है। ये तो हो गया वैदिक ग्रंथों के अनुसार, है ना। फिर पुराणों के अनुसार क्या होता है? पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा ये केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए होता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए होता है। हालांकि सभी मार्ग से नई आत्माओं को कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यहीं जन्म लेना है और मरकर पुनः जन्म लेना है। अर्जुन और समीर बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर भागते भागते पीयूष आता है। पीयूष बहुत ही घबराया हुआ लग रहा था। अरे मोटे, तू सोया नहीं अभी तक, समीर ने कहा। तुझे भी सिगरेट पिए बिना नींद नहीं आती? अर्जुन ने कहा। यार तुम दोनों मजाक करना छोड़ो, तुम यहाँ पर बातें कर रहे हो और नीचे देखो रुद्र को क्या हो गया है, पीयूष ने कहा। क्या हो गया रुद्र को? अर्जुन और समीर दोनों ने एक साथ घबराते हुए कहा। यार तुम खुद ही नीचे चलकर देख लो। अर्जुन, समीर और पीयूष भागते भागते नीचे जाने लगते हैं। जब वो नीचे रुद्र के कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रुद्र के कमरे में अनन्या, स्वाति, आयशा और संतोष खड़े हुए थे। रुद्र अपनी पलंग पर बैठा हुआ था और बड़बड़ाए जा रहा था। माँ कहाँ चली गई यार, कहाँ चली गई माँ? रुद्र बेटा ये तू क्या बोल रहा है, आयशा ने कहा। माँ चाची, माँ माँ आई थी मुझसे मिलने के लिए पर पता नहीं कहाँ चली गई, रुद्र ने कहा। ये कैसे हो सकता है रुद्र बेटा, दीदी अब इस दुनिया में नहीं है, वो हमें छोड़कर बहुत दूर चली गई है। नहीं चाची, माँ हमें छोड़कर कहीं नहीं गई है, वो इसी घर में है। रुद्र बेटा तुम अभी सो जाओ, हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे और तुम्हारा इलाज करवाएंगे।
मुझे लगा था तुम ठीक हो गए हो, पर लगता है बेटा तुम अभी भी नॉर्मल नहीं हुए हो। संतोष ने कहा, चाचा मैं ठीक हूँ और पूरी तरह नॉर्मल हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। माँ मुझे यहीं पर दिखाई दी थी दरवाजे के पास, वो यहीं खड़ी थी। रुद्र ये भी तो हो सकता है कि तूने अंधेरे में किसी और को देख लिया हो, या वो सिर्फ तेरे मन का वहम हो, वहां पर कुछ भी ना हो। अनन्या ने कहा, नहीं अनन्या वो माँ ही थी, मैं अपनी माँ को पहचान सकता हूँ। रुद्र बेटा याद है कल रात भी तुमने कहा था कि तुम्हें भाभी फ्रिज के पास रसोई घर में दिखाई दी थी, पर फिर जब हम रसोई घर में गए थे तो वहां पर कोई नहीं था। संतोष ने कहा, चाचा वहां पर भी थी माँ, पर आपको देखकर माँ चली गई। चलो रुद्र बेटा मान लिया कि भाभी थी वहां, वो मुझे देखकर क्यों छुपेंगी? पता नहीं, वही तो मैं कहना चाहता हूँ रुद्र बेटा, ये बस तुम्हारे मन का वहम है और कुछ नहीं। हम कल सुबह डॉक्टर के पास जाएंगे और तुम्हारा इलाज करवाएंगे, देखना सब ठीक हो जाएगा, तुम पहले की तरह नॉर्मल हो जाओगे। चाचा मैं ठीक हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। रुद्र तेरे चाचा शायद ठीक कह रहे हैं, तुझे आराम की जरूरत है। मैं समझ सकता हूँ, जब माँ गुजर जाती है ना तो यही लगता है कि माँ हमारे आसपास ही है और हमसे बातें कर रही है, ये सब बस हमारे मन का वहम होता है और कुछ भी नहीं। समीर ने कहा, समीर ये मेरे मन का वहम नहीं है, मैंने घर में माँ को घूमते हुए देखा है। गाइस आई थिंक रुद्र ठीक कह रहा है। अर्जुन ने कहा, अब तू भी शुरू हो गया अर्जुन, कहीं तो रुद्र का साथ छोड़ दे और उसकी हाँ में हाँ मिलाना बंद कर। समीर ने कहा, मैं हाँ में हाँ नहीं मिला रहा हूँ समीर, वही बोल रहा हूँ जो पॉसिबल है। याद है मैंने तुझे और पीयूष से कहा था कि 10 दिन तक पिंडदान करने से आत्मा का शरीर बन जाता है और उसे चलने फिरने की शक्ति मिल जाती है। आंटी जी की आत्मा को भी चलने फिरने की शक्ति मिल चुकी है। अर्जुन जो तूने हमें बताया था वो कहानियां थी, हकीकत में ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ मान्यताएं हैं। समीर ने कहा, किताबों में वही लिखा जाता है जो सत्य है, और तुझे पता है कहानियां हमारे जीवन की प्रतिछाया है और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी है। अच्छा तू तो ये कहना चाहता है कि आंटी जी की आत्मा घर में भटक रही है। हाँ भाई, वो भी सिर्फ 3 दिन के लिए, 13वीं के बाद उनकी आत्मा यमलोक के लिए निकल जाएगी। यार अर्जुन मुझे ना तेरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता, क्या तू साबित कर सकता है कि आंटी जी की आत्मा घर में भटक रही है? हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं आंटी जी की आत्मा को बुलाऊंगा